मेरा काम 2 दिन में हो जाना चाहिए, आगे बहुत लेट हो चुका है। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कितना? इजाज़ बेटा, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। जा रहा हूँ मैं। कहाँ? दुबई। आपने खुद ही तो कहा था नौकरी लग गई है मेरी। अच्छा है भाई, लेकिन मैं आपसे वही बात करूँगा, भाभी को इंसान समझें। अम्मा आप उन्हें कुछ दिनों के लिए भेज क्यों नहीं देती? उनकी खाला आई तो थी, क्या सोचती होंगी हमारे बारे में? तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं सोचती होगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरे लिए कोई लड़की हरगिज ना ढूंढिएगा। मैं अपनी पसंद की लड़की हम उम्र हम मिजाज खुद ढूंढूंगा। सुन लिया अम्मा, अब तुम्हारा ये लाडरा अपने लिए लड़की खुद देखेगा, और वो भी तेरे होते हुए। भाई जिंदगी मेरी है तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना, आपकी तरह थोड़ी। बहुत बोलता है तू, बहुत बोलता है बेवकूफ। औरत पैर की जूती होती है, और अगर जूती काटने लगे ना तो उसे उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अम्मा कुछ समझाए ने, कुछ तो सोचें, आप भी एक औरत हैं, और दूसरी औरतों के लिए ऐसे जज्बात। अम्मा नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो भाई फिर सुन के हामी भरने वाला भी उतना ही मुजरिम होता है जितना कहने वाला। बस पहले तो मुझे शक था, पर अब यकीन हो गया है। बहू में कोई गुर तो जरूर है, वरना मैं लाख बुरी सही, मेरा बेटा मेरी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात नहीं करता था। जा रहा हूं। अम्मा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्या छुपाऊंगी? यासर की बातों में और तेरी खामोशी में ऐसा कुछ है जो मेरी समझ से बाहर है। आय हाय, ये क्या लड़की है, दिखने में बड़ी भोली और मासूम है, बड़ी जादूगरनी। पता नहीं यासर पे क्या जादू किया है, उसे देख देख कर उसका दिल हर वक्त उसके लिए पीछता रहता है। बेटा आप मासी से मिलने आई हैं? जी हाँ। वो तो चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं। मास्टर साहब चले गए? अम्मी, अम्मी, अजी, अस्सलाम वालेकुम। आज नहीं बताएगी?
कि तू कितनी खुश है। कौन है? अब घर पर है, मैं मिलकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। मैंने ख्वाब में देखा था कि आप बीमार हैं। अज्जी आओ हम बाहर बैठ के बात करते। अज्जी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। तू क्यों फिक्र करती है, तेरे लिए तो हर वक्त दुआ करते हैं। तू खुश रहे, अल्लाह तुझे लंबी ज़िंदगी दे। क्या हुआ है, ऐसा मुंह सजाए क्यों बैठी हुई हो? अमाद का फोन आया था। फिर रात को लॉयर आएगा। बबलू तुम जाओ अपने कमरे में। मैं टीवी देख रहा हूं। मैंने कहा है ना जाओ अपने कमरे में। मामा हाँ। अगर अमाद को ये लगता है ना कि मेरा अहमद के साथ पैचअप हो जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। यास्मीन कुछ पता तो चले हुआ क्या है। होना क्या है मामा, सोचा था कि छोटे घर की लड़की, कम से कम हमें तो ज़हनी सुकून मिलेगा ना। ना क्या कर दिया अब उसने, रात को लॉयर के साथ अहमद भी तशरीफ ला रहे हैं। पता नहीं क्या क्या पटियाँ पढ़ाती रहती है ये अमाद को। यास्मीन खुदा के लिए जरा जरा सी बात का बतंगड़ मत बना लिया करो तुम। जैसी गुजर रही है ना, इसमें लंबी उम्र की तो आरजू कभी की ही नहीं है। तो क्या अमाद का रवैया बहुत बुरा है तेरे साथ, या फिर सास का, नंद का? आज मालूम हुआ है बात हमेशा रवैयों से खराब नहीं होती अम्मी, एहसास कमतरी का एहसास इंसान को मार देता। वो लोग बहुत ऊंचे, इतने ऊंचे कि अगर शायद ख्वाब में भी इतने ऊंचे लोगों को देखूं तो मुके बल गिर जाऊं। अब तेरे नाम के साथ अमाद के नाम के पर लग गए हैं। तू भी उड़ ऊंची हवाओं में। आपने साई कबूतर वाले को देखा है ना अम्मी, वो
अपने सारे कबूतरों के पर काट देता और फिर उन्हें आजाद कर देता। हम आपने भी ऐसा ही किया मेरे साथ। सच सच बता, तेरे दिल में कोई और तो नहीं था जो जो पीछे किसी को छोड़कर जाती है ना, उन्हीं की नहीं बनती ससुराल में, शोहरों में सौ सौ ऐब निकालती है। देख, मैंने तेरे बड़े पर्दे रखे, फिर रख लूंगी। सच बता, बता उसका नाम। सरादित, बस आज के बाद अगर उसका नाम भी लिया ना तो जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। आपने पूछा था इसलिए बताते। जब भी मैं कहूं वो नामुराद कहां तबाह हो गया, कहां गायब हो गया। अम्मी, अम्मी, अम्मी वो कहीं गायब हो गए, उनसे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई ना इसलिए। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है तू। अगर वो भूले से भी यहाँ आ जाए ना तो आप उन्हें बताइएगा, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत ज्यादा। आहिस्ता बोल, आहिस्ता। तेरे बाप ने सुन लिया ना तो इसी घर के सहन में तेरी कब्र बना देगा। हाँ, हाँ। सज्जू को जरूर पता होगा कि वो कहाँ गए, मैं उसे बुलाकर बस। क्यों जनाजा निकाल रही है हमारी इज्जत का, बस कर दे बस। आपने शादी कर ली, बताया भी नहीं। बताते भी कैसे, आपको तो जी खाता आपका। ये सुबह सुबह कहाँ से डाक आ गई। अच्छा थैंक यू जी, लगता है ऑफिस से आया। दम घुटता है उस घर में मेरा, पता है।
मुझे अपने पास रख ले। मुमकिन नहीं। क्यों नहीं समझती अम्मी आप? मुझे नहीं रहना उस घर में, मुझे आपके पास रहना है। तेरा बाप अभी बीमार है, सुन लेगा तो गैरत की मौत मर जाएगा। तुझे अपना नहीं तो हमारी इज्जत का ही कुछ ख्याल कर। अल्लाह तुझे खुश रखे। ये लीजिए सर। अरे ये किसके लिए? आपके लिए। मुबारक हो दूसरी शादी। दूसरी कहना जरूरी था क्या? आपको नहीं, खुद को बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, रख दो, बैठो। खुशी के फूल हैं सर, मुरझा जाएंगे। और सर कैसे हैं आपके मिसेस? आपको मैंने फाइल लेने को कहा था, वो लाइए। मीटिंग कब अरेंज किया आपने? कल है सर, लेकिन ये मीटिंग आपकी शादी से पहले से फिक्स है। अगर आप कहें तो मैं चेंज कर दूं। मैंने आपसे कुछ कहा है? लेकिन अभी तो आपकी शादी हुई है, दावतें चल रही होंगी आपकी। ना सही, लेकिन आपकी मिसेस की तो पहली शादी है ना। मिनाइल क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा था। हेलो। हेलो मिस फले, ये सब क्या किया आपने? सारे महकमे में आपके बारे में बातें हो रही हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। लेकिन सर आप मेरी हेल्प। नहीं मिस, आपने कोई अगर एक गलती की होती तो शायद मैं कुछ करने की पोजीशन में होता। जानती भी है कितनी फाइलों पे दस्तखत किए आपने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही मिस फले। लेकिन सर मैं सच बोल रही हूँ, आप जिन फाइलों की बात करें मैंने तो उनको देखा तक नहीं है। परेशान हो गई हूँ इस परेशानी से निकलिए और आप इस इंक्वायरी टीम का सामना करने की सोचिए जो आपके खिलाफ बैठेगी। आप जानती भी हैं कि अगर एक इल्जाम साबित हो गए तो आपको जेल भी हो सकती है। जी सर, आई अंडरस्टैंड। हेलो। हेलो वकील साहब। जी हेलो मिस फलक, कैसी हैं आप?
अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि सब कुछ ठीक है। अरे सब खैरियत तो है ना मिस फलक। वकील साहब मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है, मुझे लगता है मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। साजिश? कैसी साजिश मिस फलक? वकील साहब मेरे खिलाफ ऑफिशियली कार्रवाई का ऑर्डर जारी हो गया है। ओह आई एम सो सॉरी मिस फलक। ठीक है आप परेशान ना हो, मैं घर आके आपसे बात करता हूँ, फिर देखते हैं कि इस मसले को सॉल्व कैसे करना है हमने। ठीक है वकील साहब। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। साहब को यहां लाने का मकसद ही ये है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ को सुलह के लिए एक मौका दिया जाए। अहमद साहब आप अपनी मिसेस से मिलना पसंद करेंगे? वकील साहब मुझे मालूम है कि मेरी मिसेस मुझसे मिलना नहीं चाहेंगी, वैसे भी मुझे अपने बच्चे के सिवा किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं। अहमद साहब आप यास्मीन की इंसल्ट कर रहे हैं। और वो जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? आपने एक बार भी पूछा उससे कि वो क्या चाहती है, उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, उसकी फरमाइशें क्या हैं? खैर वैसे भी एक बाप की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चे को आला तालीम के साथ साथ उसकी अच्छी परवरिश भी करूं, और मेरा ख्याल है कि आपकी बहन यास्मीन ये नहीं कर सकती। आप चाहते क्या हैं? क्या बात है अहमद साहब? एक मिनट वकील साहब, उठ जाओ यहां से। जी देखें मैं आपको फिर एक मरतबा कहता हूँ कि केस करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपके घर को बचाना है। अहमद साहब शादी का बंधन बज़ाहिर कागज़ का एक टुकड़ा होता है जो कागज़ से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाता है, मगर गौर करें तो ये रिश्ता कई नस्लों को साथ लेकर चल रहा होता है। अहमद साहब आपको बेटा तो मिल जाएगा, मगर अफसोस से कहना पड़ता है आसूदगी नहीं मिलेगी। हेलो फलक, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? नजर नहीं आ रहा क्या हुआ है, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। क्यों क्या हुआ? मैं और यहाँ नहीं रह सकती अब हमाद। फलक तुम मामा की इतनी सी बात पे गुस्सा कर रही हो। हद होती है हमाद, मामा भी ना मिडिल क्लास औरतों की तरह हर वक्त हमारी लाइफ में इंटरफेयर करती रहती हैं। ये ना खाओ वो ना खाओ, इसे ना मिलो ये ना करो, मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता है।
अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं मामा से बात करता हूँ। तुम मामा से बात करो या ना करो, मैं तो जा रही हूँ। फलक इतनी छोटी छोटी बातों को इश्यू नहीं बनाते। मैं मामा से बात करता हूँ ना, मुझे कुछ मौका तो दो प्लीज। कर लो। क्यों माद साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मुबारक हो कुरैशी साहब। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। मेंशन नॉट। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मुझे अनजाने में कोई गलत साइन हो गया और जब तक इस साइन का मसला हल नहीं होता मैं दफ्तर नहीं जा सकती। Come on यार, तुम एक कितनी बड़ी ऑफिसर हो, तुम कैसे नहीं जा सकती? भाई जरूर किसी ने कोई अपनी जेलसी दिखाई होगी। मुझसे किसी को क्या जेलसी हो सकती है? You don't know तुम्हारा एक्स हस्बैंड? नहीं नहीं, इमाद ने मेरी कुर्सी का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया। तो क्या मैं उठाता हूँ? मैं ऐसा तो नहीं कह रही, लेकिन मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, जो गलती मैंने की नहीं है उसका मैं क्यों सिला भुगतूं? अच्छा अच्छा जान, आप परेशान ना हो, मैं भी आता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। मैं आ रहा हूँ जान, I'm coming। तेरा बाप अभी बीमार है, सुन लेगा तो गैरत की मौत मर जाएगा। तुझे अपना नहीं तो हमारी इज्जत का ही कुछ ख्याल कर। बदतमीजी थी जी? नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो भोली भाली बनकर सबको बेवकूफ बनाती हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? क्या बेहयाई का सबक लेकर आई हो मैं किसे? जवान हो, खूबसूरत हो, यही शो करना चाह रही थी मेरे मेहमानों को? बिला वजह शक कर रहे हैं आप मुझ पर। खामोश। अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को, तुम्हारे मकर, तुम्हारे फरेब, कुछ नहीं छुपा मुझसे। और इन आंसुओं का भी मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और एक बात याद रखो, आइंदा अगर तुम मेरे मेहमानों के सामने बगैर इजाजत के आई तो जान से मार दूंगा। अम्मा बस सोने लगा हूँ, कल पेपर है, बस थोड़ी सी और तैयारी करनी है। पूरा साल मोए कॉलेज में क्या करते रहते हो?
अम्मा दुराई भी तो करनी होती है ना। देख मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़, भाई के साथ दुकान पर जाया कर। अम्मा मुझे वो काम नहीं करना। क्यों, उसमें क्या बुराई है? अम्मा बात बुराई की नहीं, दिलचस्पी की है, मुझे पसंद नहीं है वो काम। बेटा जिस काम ने तेरा मुस्तकबिल बनाया तो उस काम को बुरा भला कह रहा है? अम्मा ना मुझे मसला भाई से ना उनके किसी काम से, बस मुझे वो काम नहीं करना, मेरी मेरी मंजिल कोई और है। क्या हो गया? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। देखो हमें ना अपने वकील से बात करनी चाहिए। हुई थी मेरी वकील साहब से आज बात। अच्छा, तो क्या कहा? जो भी मेरे करियर के पीछे हाथ धो के पड़ा है ना, मैं उसे छोड़ूंगी तो नहीं। उनको पता चल जाएगा यार, उसकी नौकरी जाने का अंदेशा है। ओहो शहरियार साहब, अंदेशे के साथ लाख दो लाख बांध देना, सब ठीक हो जाएगा, अंदेशा भी टल जाएगा। शहरियार? हाँ? तुम्हें लगता है कि इस सब के पीछे इमाद का हाथ है? हो भी सकता है और नहीं भी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे जो भी ये सब कुछ कर रहा है वो मेरे बहुत करीब का है। फलक, तुम्हारी एक सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी में कब कोई दुश्मन बन जाए पता तो नहीं चल सकता ना। शायद तुम ठीक ही कहते हो शेरियार। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इट्स गो आउट समवेयर। चलो, लेकिन इस मूड के साथ नहीं लेके जा रहा मैं। स्माइल, ठीक है मेरा मूड, चलो चले। ये चाय। बैठो। ये तुमने कभी खाला के घर जाने को नहीं कहा, क्यों? तुम्हें पता है उसने पहली बीवी को क्यों छोड़ा था? वो मीके बहुत जाती थी। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं मेके इसलिए नहीं जाती, आपको अच्छा नहीं लगता ना। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता? तुमने कभी कहा ही नहीं। अम्मा ने कहा था। अम्मा ने? और क्या क्या कहा अम्मा ने? कुछ भी नहीं, बस यही, जब मेरी खाला मुझे लेने आई थी तो अम्मा ने कहा कि क्या क्या अम्मा ने? अम्मा, अम्मा, ये कहाँ रह गई है? अम्मा, क्या हो गया, क्या हुआ? ये तू मेरी गैर मौजूदगी में इसे क्या क्या पटियां पढ़ाती रहती है? मैंने क्या कहा है? पूछ पूछ अपनी लड़की से।
मैं सदके जाऊं। क्या था भाई के साथ काम करता, बाहर तो ना जाता ना। जरा प्यार नहीं है तुम्हें हमसे, अगर होता तो। माँ छाओं किसको बुरी लगती है, लेकिन। लेकिन क्या? माँ मैंने बहुत आगे जाना है, आपका और भाई का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए दुआ करती रहिएगा। कितने बजे की फ्लाइट है? माँ कल रात 10 बजे की, लेकिन एयरपोर्ट 3 घंटे पहले जाना होगा। अपना ख्याल रखना, बहुत सारा ख्याल रखना। छोटा बेटा ज्यादा प्यारा होता है, ठीक है? बहुत सारा ख्याल रखना। सर आप तो कहते हैं ये मर्दों का कॉम्प्लेक्स होता है, अगर औरत को जरा सी भी खुद मुख्तारी दे दी तो वो मर्द से एक कदम आगे ही चलेगी। मर्द बहुत जालिम है। वो अपने हिस्से की जमीन किसी औरत को सौंपकर कभी भी एक कदम पीछे चलना गवारा नहीं करेगा। यूं समझ लो कि अना वो बुराई है जिसको अल्लाह ने मर्द की गुट्टी में इस तरह डाल दिया है कि वो उसकी जात का हिस्सा बन गई है। हेलो हेलो सर, सर मैं आयजा बात कर रही हूँ। जी सर। देखो यार सर, माना कि मैं बहुत बुरा हूँ, मगर इतना बुरा भी नहीं कि तेरे जाने से पहले तुझे मिलने ना हो। आपसे जुदा होकर कैसे खुश हो सकती हूँ? आपने तो आधे रास्ते में छोड़ दिया मुझे, और आप पूछते हैं कि मैं खुश हूँ? अगर कोई आए जाए तो नजर रखना और मुझे बता देना। ठीक है बेगम। मेरा तो बाप भी बताएगा। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, मुझे मुझे नहीं। छोड़ा है किसी ने।